आदि पुरुष का रिव्यू आ चुका है, जो कि आप लेके लिए तीन शब्द में किया जा सकता है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और प्योरली 100% डिसअपॉइंटमेंट। अर्थात भाई मैं तो समझ गया था 2 अक्टूबर को, क्योंकि इसका ट्रेलर जिस दिन पहली बार आया था ना, उसी दिन समझ गया कि इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे सुधार किया ही नहीं जा सकता। औरम राउत की इंटेंशन क्लियर दिख रही थी कि मूवी के साथ क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है, और रामायण जैसे इतने बड़े महाकाव्य हमारे देश में जिससे हृदय से लोग जुड़े हुए हैं, उसके बारे में ये लोग छेड़छाड़ करके बनाते हैं। मनोज मुंतशिर अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, औरम राउत अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसे लोग ज़बरदस्ती के रामायण को ख़राब करते हैं सैफ अली खान के कास्टिंग से, कृति सन के कास्टिंग से, प्रभास के पहले लुक से, और सनी सिंह को क्यों लिया गया इसमें तो पता ही नहीं है। मौलाना हनुमान जी को देख लीजिए, फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मैं पहले से बता रहा हूँ, रिव्यू तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप रामायण से प्रेम करते हो, अगर आप सच्चे सनातनी हो, तो अपने बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी इस फिल्म को देखने ना जाए, क्योंकि पेड रिव्यू वाले तो वही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला हुआ ना भाई साहब पीछे, हमें कोई पैसा देने वाला नहीं, और देता भी तो अपने रामायण के बारे में जो है इतना घटिया फिल्म देखने के बाद कोई इसको अच्छा से रिव्यू कैसे कर सकता है। आप मनोज मुंतशिर को ले लो, आप ओम राउत को ले लो, इनकी इंटेंशन क्लियरली दिख रही है कि रामायण को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रकार से बॉलीवुड हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उसे गलत छवि देने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो है आदि पुरुष जो है इतना घटिया फिल्म बन के आया है, समझ रहे हो कि रामायण के बारे में हमें घटिया बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसके नाम से फिल्म बनाई जा रही है, तो सोचो हमें रामायण की बुराई करना पड़ रहा है जबकि फिल्म बुरा है। रामायण जो हम देखते हैं सुनते हैं वो तो हमें हृदय से प्यारा है, लेकिन उसके बारे में हमें रामायण की बुराई करते हुए आपको लोग मीम बनाते हुए दिख जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का मजाक उड़ाया गया, माता सीता का मजाक उड़ाया गया, रामायण के जो मेन सीन्स को तो यहाँ काट ही दिया गया, केवल काले काले धब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे, सैफ अली खान का खिलजी वाला लुक देखने को मिल जाएगा, मौलाना हनुमान जी देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा घटिया घटिया डायलॉग लिखने वो कौन लोग बोल रहा था भाई कि मनोज मुंतशिर ने धाकड़ धाकड़ डायलॉग लिखे शरद कल का लवाज में, मजा क्या मजा आएगा भाई, देख के जाके देख लो एक बार, उल्टी आ जाएगा आपको। अगर आप सच्चे सनातनी है तो आपका 1.5 लीटर खून ऐसे ही खून जो है बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही आपका खून जो है पानी में बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना गुस्सा आएगा। आप सनातनी है, कहीं गलती से कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले ना निकल जाए, आप कहीं गलती से आप रामचरितमानस पढ़े ना हो भाई साहब, ऐसे ऐसे रेफरेंस आपको घटिया घटिया देखने को मिलेंगे, आपका पूरा ज्ञान जो है विलुप्त हो जाएगा भाई साहब। कितने भी पेड प्रमोशन करा लो, रणवीर सिंह कितने हजार 10,000 टिकट बांट रहे हैं, कोई तो 1.5 लाख टिकट बांट रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है, कोई तो इतना प्रमोशन कर रहा है, भगवान श्री रामचंद्र के नाम से राम जय श्री राम जय श्री राम बुला रहे हैं, उम्र हनुमान जी के लिए एक टिकट, सॉरी हनुमान जी के लिए एक जो है सीट रिजर्व रखा गया है भाई, समझ रहे हो। हनुमान जी अपने आप में मौलाना रूप में इस फिल्म में देख के जो है, हनुमान जी भी जो है इसके मेकर्स को कई गदा मार के उसको भी, उन लोग को भी जो है इतने सारे जो है गदा। हनुमान जी भी इस फिल्म को देख के बोलेंगे कि ऐसा हुआ था क्या, अरे भाई साहब इन लोगों ने क्या रामायण के साथ छेड़छाड़ किया है, जनता को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन लोग जो है पेट प्रमोशन के चक्कर में आके इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, फैमिली के साथ देखने जाने को बोल रहे हैं। कमियां गिनवाओ कुछ फिल्म की, तो फिल्म का पहला हाफ जो है बहुत सारे सीन्स को काट दिए गए, एनिमेशन के रूप में दिखा दिए गए, 700 करोड़ की फिल्म है भाई साहब, 700 करोड़ की, तो सोचे इसमें जो बहुत सारे सीन्स को ऐसे काट दिया गया, ताड़िकावध नहीं है, भरत मिलन नहीं, मिलाप नहीं है, माता सीता का जो हार फेंकने वाला सीन वो नहीं, क्योंकि माता अनुसुईया द्वारा जो हार दिया जाता है उन्हें, जो कि उनको वस्त्र दिया जाता है जो कि कभी मैले नहीं होते, उसमें जो एक मोती फेंकती है माता सीता, जटायु जो कि गिद्ध थे उसमें ईगल दिखाया गया, रावण जो कि महान पंडित था वो तो खिलजी दिखाया गया, महान हनुमान जी जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो जो मौलाना दिखाए गए, महान पुरुषोत्तम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन सुकुमार सुकुमार श्री रामचंद्र जी को यहाँ जो है प्रभास डिप्रेशन लुक वाले प्रभास दिखाए गए, सनी सिंह तो अलग ही लेवल का आदमी है, पता नहीं कौन है ये लक्ष्मण है भाई साहब, इसे देख के तो कॉकरोच मेरे घर के भी ना भागे, ये लक्ष्मण है जो कि तीनों लोगों को हिलाने वाले शेषनाग के अवतार थे भाई। मजाक किया गया है, रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया है, एक एक शब्द क्या क्या बोले इसके बारे में समझ भी नहीं आ रहा है। आप अगर सच में रामायण से प्रेम करते हो तो इस फिल्म को दूर रहना, कभी देखने भी मत जाना, घर में भी मत देखना भाई, लिटरली भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप गाली दोगे, क्योंकि मेरे को भी गाली देखने का मन, इसके बारे में सोच के ही गाली देने का मन लगे, क्योंकि इतना चुतियापा कोई कैसे बना सकता है भाई साहब। और अपने आप को ये लोग देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, कौन से झाड़ भर के देशभक्त हो भाई, और लोग जो है ओम राउत को और मनोज मुंतशिर को डिफेंड कर रहे हैं इसमें भाई, प्रभास को डिफेंड कर रहे हैं भाई, इसमें आप कैसे डिफेंड कर सकते हो, आप किसी के अंधे भक्त कैसे हो सकते हो। जैसे कि एक तो यार आप बोलते हो डायरेक्टर साहब की जो है रामायण पे फिल्म बन रही है, बाद में बोलते हो डिस्क्लेमर लिखा आता है पहले से ही कि ये फिक्शनल ओम राउत की फिल्म है, रामायण आप ज़्यादा जानना है तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, जब मुझे वाल्मीकि रामायण पढ़ना ही है तो मैं रामानंद सागर जी का रामायण ही देख लूँ, आपका घटिया फिल्म देखने क्यों आऊँ। और वही बात है, 700 करोड़ रुपये यहाँ किसमें बढ़ाए गए हैं, पूरे स्टूडियो के अंदर शूट करके पूरे नेचुरल को तो बिगाड़ ही दिया गया है, और फिल्म के इमोशन के नाम पे जो है यहाँ पे झाड़ भर का इमोशन भी नहीं है, किस नाम से इस फिल्म को देखा जाए भाई लोगों के द्वारा, बताइए बताएंगे आप, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज तक जितने भी देखे हुए फिल्म है उसमें सबसे घटिया फिल्म है ये, और इसको जो है 0.-0- जो भी जितना घटिया रेटिंग दे सको उतना जाएगा, अर्थात माइनस रेटिंग इसको दिया जाना चाहिए, और 700 करोड़ जो है बर्बाद हो ही चुका है।
को पैसा बर्बाद पे। और रामायण के साथ तो खेल खिलवाड़ ही है। तो मेरा एक ओपिनियन है, आखिरी में ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को जो है अपने बच्चों बूढ़ों अपने दुश्मनों को भी इससे दूर रखें ताकि रामायण का मजाक ना उड़े और अपने जो है धर्म भ्रष्ट ना हो सके। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, करके जो बताइएगा। इस फिल्म से बिल्कुल दूर रहे, देखने के बाद मत सोचिएगा भी मत। जय श्री राम, हर हर महादेव।